के घर आने वाले, नहीं हट सकता, नहीं हट सकता ये भारत का संविधान जब तक जिंदा है ये भारत के घर आने वाले। संविधान किसी के है बाप का नहीं, लड़ा देते हमें जात पात में यही। देखिए सब कुल ऐसी ताकतें हैं, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख रहे थे तब भी उन लोगों ने विरोध किया, और आज भी ऐसी ताकतें हमारे सामने हैं जो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को चेंज करना चाहती है, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। संगवारी हो अपन देखा तो न्यूज 72, मैं हूँ सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बाबा साहब की 133वीं जयंती, आज पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व
विश्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम पहुंचे अंबेडकर चौक में, कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे किस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मैम पहले परिचय बताइए आप। मैं प्रणीता डोंगरे WRS पंचशील बुद्ध विहार की महिला अध्यक्ष हूं और ये मेरी टीम। क्या कहेंगे मैम बाबा साहब की 133वीं जयंती आज भारत में विश्व में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मार्गदाता मुक्तिदाता आज हम जो भी है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है और उन्हीं की जयंती मनाने के लिए तन मन धन से पूरा एक कर रहे अपने आप को और जितना हो सके जितना हम कर सकते करने का कोशिश कर रहे, क्योंकि बाबा साहब है तो हम हैं। इसीलिए बाबा साहब की जयंती हमारे लिए हमारे जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक एक सांस जो ले रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम आज यहाँ ये इकट्ठा नहीं होते। तो बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में मैं बाबा साहब को काया वाचा मन से आदरांजलि, विनम्र आदरांजलि देना चाहती हूँ और मेरे टीम के तरफ से भी सभी की ओर से समाज की ओर से मैं बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को सारे विश्व को भारत के वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मना रहा है बाबा साहब की जयंती। मतलब जो संविधान में उन्होंने जो आज़ादी दी हमें वो आज़ादी का जश्न है। आज हम जश्न का नारा लगता है आज के दिन, वो आज़ादी का जश्न है। जो सरकारें हैं अच्छे से काम करे, संविधान के अनुरूप काम करे, हम यही चाहेंगे। सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार हमें कुछ दे भी नहीं सकती। बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए सब कुछ लिख के दिया है, बस तो वही दे, संविधान के बराबर चले, हम यही चाहेंगे। और पूरा विश्व जयंती मनाता है बाबा के विचारों पे चले, बाबा साहब के विचारों पे अगर ये देश चलेगा तो सोने की चिड़िया बनने में कोई देर नहीं लगेगा। बस यही चाहते हैं सरकारों से सबसे कि संविधान के अनुरूप चले, संविधान को एंजॉय करे। मेरा नाम PS गेड़ाम है, WRS पंचशील रायपुर। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती समारोह हर देश पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, संगीतमय कार्यक्रम किया जा रहा है, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब को क्यों याद कर रहे हैं? संविधान उन्होंने बनाया, वो संविधान जो आज पूरी दुनिया उसकी नकल मार रही है। भारत के संविधान मतलब समानता, अधिकार, सब समाज को एक साथ लेकर चलना, सरलता से सब उस संविधान में लिख दिया और आज हम सबको उसका फायदा मिल रहा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये संविधान में अधिकार हमको दिया, आदमी की आज़ादी और तमाम प्रकार की चीज़ों को जो आज लाभ मिल रहा है जनता को, मैं समझता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर, उन्होंने जो रास्ता दिखाया वही रास्ते से हम लोग कामयाब होंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। देखिए सब कुल ऐसी ताकतें हैं, जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे तब भी उन लोगों ने विरोध किया और आज भी ऐसी ताकतें हमारे सामने हैं जो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को चेंज करना चाहती है, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। संविधान में एक एक आदमी को उसका अधिकार मिला है, महिला बहनों को अधिकार, युवा साथियों को अधिकार, हर वर्ग को मौका देने का काम किया गया। उस संविधान को कोई नहीं बदल सकता, जब तक धरती आसमान रहेंगे बाबा साहब का अधिकार रहेगा। संविधान किसी के है बाप का नहीं, लड़ा देते हमें जात पात में यही। कुछ ऐसे लोग सामने बोलते जय भीम, पीछे पीठ पीछे मंदिर घंटी बज जाते वहीं। राम ना लूंगी का मैं कह दूं एक बात, मन में एक सवाल, मेरे मन में एक सवाल, मांग है पढ़ाई की मंदिर की नहीं, मांग रोजगार की मंदिर की नहीं।
के निकल पी के सब लगाओ दहाड़ रखो बदलने की संविधान जरूरत नहीं जो लिखे है भीम जी है होता सही सुन लो मेरी एक बूम दिल की हाँ पुकार सुन लो मेरी दिल की बूम एक ही पुकार सुन लो मेरी दिल की बूम एक ही पुकार चाहता मैं हूँ संविधान ना बदले मेरे यार आई होप सो आप लोगों को हमारा एक छोटा सा रैप पसंद आया होगा एक नए अंदाज के साथ और हमको बताने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं जय भीम नमो बुद्धाय अरे इतना अच्छा रैप बाबा साहब के बारे में इतनी अच्छी बात और तालियां इतनी कम तालियां तो बनती है देखो युवा पीढ़ी अपनी बातें किस तरह से रखना चाहती है वो बाबा साहब के मिशन को समझ रही है और अपनी बातें आप तक के उसी माध्यम तक पहुंचा रही है।